सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है बिल ऑफ मटेरियल से कि ये बिल ऑफ मटेरियल है क्या, कहते किसे हैं और इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। देखें, बिल ऑफ मटेरियल को जो है वो बॉम भी कहा जाता है और बॉम का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन तमाम प्रोडक्शन और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वहाँ किया जाता है फॉर बेटर प्लानिंग। बेटर प्लानिंग इन अ टर्म्स ऑफ मटेरियल का यूजेज, उसकी कंजप्शन और इवन के मटेरियल की रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी। बिल ऑफ मटेरियल को बहुत आसान अल्फाजों में आप यूँ समझ लें कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स के वो तमाम रॉ मटेरियल जो कि आपको एक फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है चाहिए होगा। बिल ऑफ मटेरियल में आइटम की डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है वो उसकी क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और इवन के कंजप्शन पॉइंट भी जो है वो मेंशन किया जाता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के कौन से रॉ मटेरियल कितने चाहिए होंगे और वो कब और कहाँ कंज्यूम होंगे। इंडस्ट्रीज़ में हमें तीन बेसिक टाइप्स या तीन बेसिक फॉर्म ऑफ बॉम या बिल ऑफ मटेरियल जो है वो देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सिंगल लेवल बॉम, द सेकंड वन इज़ मल्टी लेवल बॉम एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्फिगरेबल बॉम। सिंगल लेवल बॉम का इस्तेमाल उन प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है कि जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनकी प्रोडक्शन या प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और ना ही डिफरेंट लेवल्स या सब असेंबलीज जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो रही हों। फॉर सपोज आप ही की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ पिज़्ज़ा तो आप सिंगल लेवल बॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं टू लिस्ट डाउन ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच विल बी नीडेड फॉर योर प्रोडक्शन। इसी तरह मल्टी लेवल बॉम का इस्तेमाल जो है वो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है कि जिसमें डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट सब असेंबलीज जो हैं वो इन्वॉल्व हों। फॉर सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ एक कार जो है वो डिफरेंट लेवल, डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट सब असेंबलीज से होके जो है वो गुजरती है और वहाँ डिफरेंट लेवल ऑफ बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर देयर बेटर प्लानिंग। एंड द लास्ट वन इज कन्फिगरेबल बॉम्ब। देखें, कन्फिगरेबल बॉम्ब का इस्तेमाल उन प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है जहाँ एक तो वैरायटी भी बहुत ज़्यादा हो और कस्टमर का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हो एंड यू हैव टू रेस्पॉन्ड रैपिडली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। पीसीज और लैपटॉप जो हैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कन्फिगरेबल बॉम्ब जहाँ एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी जो है वो कस्टमर के हिसाब से जो है वो चेंज हो रही होती है। सो आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू।